तो ये देखिए, ये लग के ये तैयार हो गया है और चल रहा बड़ा अच्छे तरीके से। इसको लगे हुए कोई 10-15 दिन हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी ये हवा दे रहा है, चारों तरफ आ रही है इसकी हवा। तो ये देख सकते हैं आप, हैवेल्स का पंखा जो हमने आपको दिखाया है, ये इंस्टॉल हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप जैसा देख सकते हैं कि मैं क्या लेकर आया हूँ, एक सीलिंग फ़ैन लेकर आया हूँ। ये है हेवल्स का वेलोसिटी सीलिंग फ़ैन, जिसका मैं ओवरव्यू करने वाला हूँ कैसा है। घर का एक फ़ैन ख़राब हो गया था तो काफ़ी सारे हमने ऑप्शंस देखे, कई जगह से रेफ़र किया, तो बेस्ट जो सीलिंग फ़ैन हमको लगा वो हेवल्स का वेलोसिटी सीलिंग फ़ैन था। बाकी भी कई फ़ैन्स थे, कोई हल्का था, कोई मोटर, उसकी जो बेस्ट सीलिंग फ़ैन है अभी फ़िलहाल, जो ना ज़्यादा डिज़ाइनर हो, बस एक मीडियोकर टाइप का फ़ैन हो, ना ज़्यादा सस्ता हो ना ज़्यादा महंगा हो, तो वो उसके अंदर वेलोसिटी का सीलिंग फ़ैन मिला। वैसे हेवल्स एक बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है, इनके कई सारे सीलिंग फ़ैन्स आते हैं, जिसमें एक ये वेलोसिटी है। इसके अलावा तेजस है, ऑक्टेट है, पेसर है, इनका इंटाइसर है, स्टेल्थ है, निकोला, ये सब फैंस के मॉडल हैं। फेस्टिवा है और न्यू है, एफिशेंसिया न्यू है और इंटाइसर है, ग्लेज है, बहुत वैरायटीज इनके सीलिंग फैंस की आती है। और बेस्ट जो है 1200 RPM इनका इसका विंग्स का स्पैन है, मतलब 48 इंच का फ़ैन है। 2 साल की इसके अंदर गारंटी है और डबल बॉल बेरिंग है। मोस्टली कई फ़ैन्स आते हैं जो सिंगल बॉल बेरिंग के होते हैं, जो इतने ज़्यादा कुछ देर के बाद परेशानी देनी शुरू कर देते हैं, उनके बॉल बेरिंग्स में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। फिर गर्मियों का टाइम हो तो ये सब एक दिन फ़ैन देना, रिवाइंडिंग करवाना या ठीक करवाना, तो उसके लिए बेस्ट फ़ैन है। ना ज़्यादा सस्ता है ना ज़्यादा महंगा है, बिल्कुल ना ज़्यादा डिज़ाइनर है, ना कोई डिज़ाइनर नहीं। इसमें 2 कलर आते हैं, एक ब्राउन है एक वाइट है। मोस्टली डिफेंस इंस्टॉलेशंस में ये लगता है, CSD कैंटीन में भी मिलता है। मैंने तो लिया ये ऑफलाइन मार्केट से, जैसे ये देखिए बिल आया है और ये मेरे को पड़ा है सीलिंग फ़ैन 1694 रुपये का, 1694 का मेरे को पड़ा है ये। और बाज़ार में वैसे इसके अंदर टैक्सेस मिला के अप्रॉक्सीमेटली 2000 का बन जाता है। बाज़ार में इसका मैं रेट दिखाऊंगा 2700 कुछ रुपए है। अमेज़ॉन पर भी इसका रेट है 2500 के करीब का, इसके बॉक्स पर 2700 लिखा हुआ है और अमेज़ॉन पर रेट इसका 2500 के करीब का है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और फीचर्स बताते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखिए, पहले ये तो ब्लेड है इसके, इलेक्ट्रिक सीलिंग फैन, 1200 mm मतलब 48 इंच का है ये। ये देख सकते हैं आप, ये सारा इसके ऊपर सीलिंग फैन है। बेस्ट है सीलिंग फैन फिलहाल जो अभी चल रहा है, जो हमने पूछा इलेक्ट्रिशियन, जितने भी इलेक्ट्रिक की दुकान थी वो उन्होंने और भी दिखाए थे हमारे को डिफरेंट कंपनी, कोई हल्का था, बहुत हल्का था। इसमें डबल बॉल बेरिंग्स है, मोटर प्लस इसकी बहुत ज़्यादा हैवी है, कॉपर की वाइंडिंग हुई हुई इसकी मोटर में। मोस्टली फैंस के अंदर एल्यूमिनियम की रिवाइंडिंग हुई होती है। देखिए ये फैन है, इसको मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ अभी, इसको चलिए खोलते हैं, पहले इसको खोलूँ। ये देखिए यहाँ लिखा होगा इसके, ये 2740 रुपये इसको, और ये देखिए इसका मैं खोल रहा हूँ इसको। स्वीप भी इसका 1200 mm में बता चुका हूँ और लो वोल्टेज में बहुत अच्छा काम करता है। मिनिमम जैसे वोल्टेज रेटिंग इसकी दे रखी है इसके अंदर, यहाँ देखिए ये दे रखा है 220 से 240 वोल्ट, और इससे भी लो में ठीक चलेगा। 1 phase AC 50 Hz का है ये, और ये देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। एक मोटर है इसके अंदर, एक फ़ैन है, कैनोपी 2 हैं जो इसके कप्स होते हैं, रॉड है, शैकल असेंबली है जिससे लटकाते हैं, शैकल असेंबली होते हैं बस, ये सब है इसके अंदर। ब्लेड्स हैं इसके, ब्लेड्स मैंने आपको दिखा दिए थे, और ये अभी इसको खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक मिनट यहाँ दिखाना है, ये देखिए आप खुद भी इंस्टॉलेशन का तरीका, ये सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। ये देख सकते हैं ऊपर, ये ऊपर ये देखिए ऊपर, अगर मैं इसको क्लोजअप ले जाऊं आपको, ये देख सकते हैं आप क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। ये सारा इसका मैनुअल टाइप दे रखा है यहाँ, ये मैनुअल टाइप दे रखा है।
डब्बे के ऊपर ही दे रखा है सब कुछ मैनुअल टाइप, इसका दोनों तरफ ही इधर से ये दे रखा है, देख सकते हैं आप। और ये तो ये देख सकते हैं, ये ऊपर जो रॉड जिससे अटैच होता है वो है, ये इसके अंदर क्या क्या निकल रहा है, ये है प्लस ये दो कैनोपीज हैं जो कप्स जो होते हैं इसके दो ये हैं, और ये काफ़ी भारी मोटर का फ़ैन है ये, मैंने दूसरे भी देखे थे जैसे बताया हल्के हैं, ये इसके वो जो शैकल्स होते हैं ऊपर टांगने के लिए अंदर दीवार के साथ लगाने के लिए जो पाइप को, और काफ़ी भारी मोटर का फ़ैन है ये देख सकते हैं आप, देखिए बहुत हैवी फ़ैन है ये, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको कैसा है। इसको दो मिनट इधर करें, ये देखिए ऐसा है, काफ़ी देखिए भारी फ़ैन है, मोटर के ऊपर कॉपर की वाइंडिंग हो रखी है इसके अंदर, और ये जो है ये आउटर पार्ट जो मोटर का ये भी एल्युमिनियम से बना हुआ है क्योंकि हीटअप नहीं होती, और बेस्ट होता है फ़ैन के लिए हीटअप, आप मेटल की बनी होती है या एल्युमिनियम की बनी होती है, इसमें ये एल्युमिनियम की बनी है और ये हीटअप नहीं होती ज़्यादा जल्दी, नहीं तो हम मोटर को नीचे से कई बार साफ़ करते हैं तो यहाँ से पकड़ते हैं तो गर्म हो जाता है। तो ये देखिए गोल्डन सा पैटर्न दे रखा है इसके अंदर, ज़्यादा डिज़ाइनर नहीं है, काफ़ी भारी हैवी फ़ैन है ये। और इसके अंदर और क्या क्या निकला है, क्या कुछ ऐसा ये वारंटी कार्ड निकला है इसके अंदर, इससे भी पहले भी आपको पता होगा कि मैं अपने व्लॉग में लेज़र फ़ैन का कर चुका हूँ रिव्यू, और तो ये निकला है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ये देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया फ़ैन है, कई लोगों से कंसल्ट किया, कई बड़े बड़े इलेक्ट्रिक शॉप से पता किया, बेस्ट फ़ैन है आप ये ले सकते हैं। ये मेरे को 2000 का पड़ा है, बाज़ार से डिफरेंट डिफरेंट रेट है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अब इसके अंदर ये मैं ब्लेड देखता हूँ कैसे हैं इसके, यहाँ से कटना, हाँ ये ब्लेड भी एल्युमिनियम के बने हुए हैं, ये देख सकते हैं तीन ब्लेड हैं एल्युमिनियम के ब्लेड हैं ये सारे, मोस्टली अगर मेटल के बने हो तो काफ़ी हैवी होते हैं, और जिसका जो विंड ये देख जो पेंट लगा हुआ है काफ़ी ड्यूरेबल है, ज़्यादा जल्दी से जाता नहीं है, ये 48 mm का है, मतलब 48 इंचेस का है, 1200 mm, और दूर तक मतलब एफिशिएंसी ऑफ एयर क्वालिटी जो है, एयर जो देता है इसके अंदर काफ़ी अच्छी है एक मीडियम साइज रूम के लिए, मैंने जैसे बताया मोस्टली डिफेंस इंस्टॉलेशन में लगे होते हैं ये, और इसकी कुछ क्वालिटीज़ मैं आपको बता दूँ, ये एक्सेलेंट इन लो वोल्टेज में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, कम वोल्टेज हो जाए, एरोडायनामिक ब्लेड्स हैं जैसे मैंने दिखाए हैं आपको, एरोडायनामिक है चारों तरफ से, लॉन्ग लास्टिंग पेंट है इसका, इम्प्रेसिव एयर सर्कुलेशन है इसकी, चारों तरफ एयर सर्कुलेट करता है, और स्पेशली ऑन सल्ट्री डेज, हॉट एंड ह्यूमिड डेज, और लो वोल्टेज परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा होता है, और डबल कैनोपीज बता दिया मैंने, और इंजन बड़ी इसका इंजन सॉरी मोटर बहुत बढ़िया है इसकी, कॉपर की वाइंडिंग हो इसके अंदर हुई भी है ना, एल्युमिनियम की नहीं है इसके अंदर, मोस्टली फैन में एल्युमिनियम की होती है, और ब्लेड डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, आइडियल फॉर होम्स एंड ऑफिस स्पेसेस, मोस्टली जैसे बताया डिफेंस इंस्टॉलेशन में रह गए होते हैं, और बहुत ही बढ़िया फ़ैन है। इसके अंदर दो कलर आते हैं, वाइट और ब्राउन, और ये आप भी एक चेकआउट कर सकते हैं किसी आप इलेक्ट्रिकल शॉप पर जाके कि कौन सा। हाँ एक चीज़ और है इसके अंदर, एक चीज़ ये बढ़िया दे रखी है, ये जो कार्डबोर्ड सा दे रखा है ना, जब हम फ़ैन मोटर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो नॉर्मल फ़ैन में ये दिया नहीं होता, ये गैप को प्लग इन कर देता है जिससे आवाज़ नहीं आती मोटर के साथ इसकी ब्लेड्स की, और काफ़ी बढ़िया फ़ैन है ये, आप ज़रूर लीजिए, अगर आपको किसी को फ़ैन सर्च करें तो हेवल्स का ये ज़रूर लीजिए, इसका नाम है वेलोसिटी, और आप ज़रूर बताइए कि अगर आपने यूज़ किया है तो कैसा लगा, मैंने तो काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं और तभी मैं बता रहा हूँ, यदि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो इससे ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।